हे गाइस, एक नई साड़ी ट्रैपिंग के साथ हम फिर से वापस आ गए हैं। तो आज हम साड़ी को ड्रैप करेंगे वेडिंग के लिए। जैसे हम वेडिंग में जाते हैं तो फिर हम थोड़ा सा डिफरेंट लुक में साड़ी को ड्रैप करना सीखते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम साड़ी को ना सबसे पहले एक राउंड में टक कर लेंगे और उसके बाद अपने पल्लू की साइड जाएंगे। तो हम खास करके ना हैवी बॉर्डर और प्लेन साड़ियों को ही ड्रैप करना पसंद करते हैं जब किसी भी पार्टी में जाते हैं। तो यहाँ पे हमने पल्लू को रफली बनाया और उसको अपने राइट शोल्डर पर रखा इस तरीके से, और बॉर्डर को हम इस तरीके से यहाँ पर पीछे की साइड से ले आएंगे और यहाँ पे थोड़ा सा टक किया है। और बची हुई साड़ी की हम प्लेट्स बनाएंगे। तो प्लेट्स को हम नॉर्मली अपने दोनों हाथों की मदद से बनाएंगे। जब हमारी ना प्लेट्स जो है वो क्लियर अच्छी खासी आएंगी ना, तो साड़ी का जो लुक है ना वो बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम जितनी भी हमारी प्लेट है ना उसको प्रॉपर तरीके से बनाएंगे यहाँ पे। तो मैंने एक एक करके सारी प्लेट को बना लिया है। और यहाँ पे ना पहले हम बॉर्डर को सोचे कि थोड़ा सा लेके आएंगे तो उसका लुक अच्छा आएगा, लेकिन फिर ना बॉर्डर जब ऊपर की साइड आ रहा था तो उसका लुक अच्छा नहीं आ रहा था, तो मैंने उसको हटा दिया था। और जो एकदम प्लेन साड़ी थी उतनी ही हमने प्लेट बनाई है और जितनी की प्लेन साड़ी थी। तो इस तरीके से, और जो हमारा बॉर्डर है ना उसको हम पीछे की साइड कर देंगे और इस तरीके से एकदम प्रॉपर तरीके से एकदम क्लियर हम प्लेट बनाएंगे, जिससे कि एकदम पूरी प्लेट है वो नीचे की साइड से प्रॉपर तरीके से आए। उसके बाद हम अपने पल्लू को बनाना शुरू करेंगे। तो पल्लू को हम जो बनाएंगे उसकी चौड़ाई ना एकदम बॉर्डर के हिसाब से ही रखेंगे। तो यहाँ पर हमने एकदम बॉर्डर के हिसाब से ही एक एक छोटी छोटी प्लेट्स बनाई है और उसको इस तरीके से पकड़ेंगे। और जब ना किसी साड़ी का जो बॉर्डर होता है वो एकदम अच्छा होता है ना, तो प्लेट जो है वो बहुत ही अच्छी खासी बन जाती है। तो इस तरीके से एक एक करके सारी प्लेट को हम पकड़ करके उसको अपने शोल्डर पर रखेंगे। तो यहाँ पर हमने प्लेट को पकड़ा है और उसको हमें थोड़ा सा और लंबा लेना है, तो हम यहाँ पर प्लेट को थोड़ा सा नीचे की साइड से पकड़ेंगे। तो इस तरीके से हमने प्लेट को बना लिया है और यहाँ पे हम इसको पिन से सिक्योर करेंगे। और जो हमारी नीचे की साइड की प्लेट है ना उसको हम बराबर करेंगे। इसको हम अच्छे से दबाते हुए ले जाएंगे जिससे कि ये प्रॉपर तरीके से बन जाए। उसको हम बाद में बनाएंगे, पहले हम पिन से इसको सिक्योर कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको सिक्योर कर दिया है और यहाँ पे ना हम एक एक करके सारी प्लेट को दबाते हुए बनाएंगे। पहले इसको बराबर कर लेंगे और जो बॉर्डर है ना उसको हम थोड़ा सा अच्छी तरीके से दबा देंगे, तो जो प्लेट है वो एकदम प्रॉपर तरीके से अच्छे से बन के आएगी। तो यहाँ पे हम एक एक करके सारी प्लेट को सही कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम अपने प्लेट को बनाएंगे और यहाँ पे एकदम क्लियर प्लेट बन के आ गई है। उसके बाद हम ऊपर की साइड से छोटी छोटी जो हमारी प्लेट्स है उसको पकड़ेंगे और इस तरीके से हम पिन से इसको सिक्योर कर देंगे, जिससे कि हमारा जो बॉर्डर है वो एकदम हाईलाइट हो और बहुत ही अच्छा लुक आएगा। उसके बाद हम इसको पीछे की साइड ना ले जा करके यहाँ पर ही हम इसको पिन से सिक्योर करेंगे। तो इस पे आप ना कोई अच्छा खासा हैवी ब्लाउज़ पहनेंगी और तब ड्रैप करेंगी ना, तो बहुत अच्छा लुक आने वाला है इसका। तो इस तरीके से आप साड़ी को ड्रैप कर सकती हैं फ्रेंड्स, और पीछे की साइड इसका और भी अच्छा लुक है। तो इस तरीके से हमने साड़ी को ड्रैप किया है एकदम प्लेन बॉर्डर साड़ी को। किसी भी वेडिंग में जा रही है, किसी भी पार्टी, किसी भी छोटे मोटे फंक्शन में, हल्दी संगीत या फिर कोई भी फंक्शन है ना, तो उसमें आप ड्रैप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पीछे की साइड का लुक इसका बहुत प्यारा आएगा। तो मैंने जैसे कि बोला कि आपसे कि आप इसको हैवी ब्लाउज़ में ड्रैप करेंगे ना तो बहुत अच्छा लुक आएगा। सो फ्रेंड्स, आप इसको एक बार ड्रैप ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि कोई भी वीडियो मैं डालूँ तो वो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू।